अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, या इसका और नाम है सेक्स लिंकेज। तो सबसे पहले सेक्स लिंक इनहेरिटेंस क्या है? द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट दैट इज डिटरमाइंड बाय अ जीन लोकेटेड ऑन द वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ऐसा जीन जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है तो वो अपनी इनहेरिटेंस शो करता है, उस इनहेरिटेंस को हम कहते हैं सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। द जीन कंट्रोल्ड बाय जीन लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ऐसा जीन जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है और वो जीन को कंट्रोल कर रहा है तो उसकी इनहेरिटेंस को भी हम क्या कहेंगे? सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय टी एच मॉर्गन इन 1910। तो टी एच मॉर्गन ने इसको 1910 में ड्रोसोविला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके डिस्कवर किया था। सर्टन सेक्स लिंक जीन आर लोकेटेड ओनली ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो जितने भी सेक्स लिंक जीन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। एंड देयर एलील आर एबसेंट फ्रॉम वाई क्रोमोसोम। तो वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम ये दो अलग अलग क्रोमोसोम हैं, लेकिन इन दोनों को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो जो सारे के सारे जीन सेक्स के रिलेटेड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, वाई के ऊपर नहीं होते। दीज जीन आर कॉल्ड एक्स लिंक्ड जीन। तो उस जीन को हम क्या कहते हैं? एक्स लिंक्ड जीन, जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है। द करैक्टर कंट्रोल्ड बाय दिस जीन आर कॉल्ड एक्स लिंक्ड करैक्टर। तो वो करैक्टर जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन होता है वो कंट्रोल कर रहा है उस करैक्टर को, तो हम उस करैक्टर को कहेंगे एक्स लिंक करैक्टर। देयर मोड ऑफ इनहेरिटेंस, और उसकी इनहेरिटेंस को हम कह देंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसकी एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफेलिया। तो सबसे पहले हम कलर ब्लाइंडनेस देखते हैं। कलर ब्लाइंडनेस इज अ सेक्स लिंक फैक्टर डिस्कवर्ड बाय वेल्सन इन 1911। तो 1911 में वेल्सन ने कलर ब्लाइंडनेस को डिस्कवर किया और ये बताया कि ये सेक्स लिंक फैक्टर है। हेरिडिटी डिजीज एंड अफेक्टेड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। तो जो अफेक्टेड पर्सन होता है वो सुरख और ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, उसको देख नहीं सकता। अगर ऐसा पेशेंट हो जो सिर्फ रेड कलर को ना देखे तो उसको हम कहते हैं प्रोटोनोपिया। एंड ग्रीन ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड ड्यूट्रोनोपिया। तो अगर वो ग्रीन कलर को ना देख पाए तो उसको हम कह देते हैं ड्यूट्रोनोपिया। कलर ब्लाइंडनेस इज अ रिसेसिव करैक्टर। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है ये एक रिसेसिव करैक्टर है, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एक्सप्रेस करेगा जब जीनोटाइप होमोजाइगस फॉर्म में हो या हेमीजाइगस फॉर्म में हो। वो हम आगे क्रॉस में देखेंगे कि किस तरह से ये एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, कॉज बाय रिसेसिव जीन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी। जो कलर ब्लाइंडनेस है उसकी जीनोटाइप ये है, यानी कि जो जीन उसको कंट्रोल करता है उसके एलील स्मॉल सी होते हैं। नॉर्मल पर्सन कंटेन जीन, जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके पास जो जीन होता है वो कैपिटल सी होता है, या फिर कैपिटल सी होता है, या सिर्फ कैपिटल सी होता है। The gene for color blindness are located on X chromosome. Their allele are not present on Y chromosome. तो ये जो color blindness का gene है ये सिर्फ और सिर्फ X chromosome के ऊपर present होता है और इसका allele Y chromosome के ऊपर present नहीं होता। So man has only one gene. तो man के पास एक ही gene होता है, क्यों? क्योंकि man की genotype क्या होती है? X और Y. तो man के पास एक X है, तो इसका मतलब इसके पास कलर ब्लाइंड का एक जीन है। अगर वो रिसेसिव फॉर्म में होगा तो मैन कलर ब्लाइंड हो जाएगा, और अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो फिर मैन जो है वो नॉर्मल रहेगा। द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन जीन फॉर अ करैक्टर इज कॉल्ड हेमीजाइगस। तो ये जो जीन है अगर ये एक क्रोमोसोम के ऊपर है सिर्फ मैन के अंदर, यानी कि एक्स और वाई है और इसके ऊपर स्मॉल सी है, तो वो मैन क्या बन जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस बन जाएगा, और इस जीनोटाइप को हम कहते हैं हेमीजाइगस। हेमीजाइगस का मतलब है हाफ जीनोटाइप में। अब ये देखें ना, एक्स और एक्स ये फुल जीनोटाइप है, ठीक है, और इसके ऊपर स्मॉल सी है, ये फुल है। अब मेल के अंदर सिर्फ एक्स और वाई है, फीमेल के अंदर एक्स एक्स है। तो कलर ब्लाइंड का जीन के दो अलील होना ज़रूरी होते हैं, लेकिन अगर मैन के अंदर आ जाए तो उसके अंदर एक अलील है तो वही एक्सप्रेस करेगा, वाई का कोई रोल नहीं है इसके ऊपर। लेकिन अगर फीमेल है वो कलर ब्लाइंड उस वक्त होगी जब उसके पास ये दोनों अलील होंगे, होमोजाइगस फॉर्म में होंगे। तो हम कह सकते हैं
कि जो फीमेल है वो होमोजाइगस में कलर ब्लाइंड होती है, जो मेल है वो हेमीजाइगस फॉर्म में कलर ब्लाइंड होता है। दिस करेक्टर इज कॉमन इन मैन देन इन वुमेन। तो ये जो करेक्टर सिर्फ मैन के अंदर कॉमन है, कॉमन की बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ मैन के अंदर होगा, वुमेन के अंदर नहीं होगा। वुमेन के अंदर होगा अगर वो होमोजाइगस हो, उसके पास दो अलील हो, तब वो कलर ब्लाइंड होगी। अच्छा, अब ये कलर ब्लाइंडनेस क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को शो करता है और नेवर ट्रांसमिटेड टू सन फ्रॉम फादर। तो ये फादर और सन से, क्या नाम है, फादर से सन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर फादर कलर ब्लाइंड है तो उसका बेटा कलर ब्लाइंड नहीं होगा, वो नॉर्मल होगा। क्यों नॉर्मल होगा? क्योंकि फादर ने क्या देना है, फादर ने बेटे को वाई देना है, एक्स नहीं देना। तो कलर ब्लाइंड का जीन एक्स के ऊपर है। तो सवाल ये पैदा होता है, तो क्या ये फादर अपनी बेटी को ये जीन देगा? जी बिल्कुल, ये अपनी बेटी को जीन देगा, लेकिन लेकिन जो इसकी बेटी होगी वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी, वो कैरियर होगी। यानी कि जब उसकी आगे शादी होगी तो उसके बच्चे जब होंगे तो उनमें जो उसका बेटा होगा वो कलर ब्लाइंड हो सकता है। ठीक है, अब आगे हम इसका क्रास देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। डॉटर कैरिंग वन रिसेसिव जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इज कॉल्ड कैरियर। मैंने अभी बात की कि बेटी के पास अगर एक अलील है कलर ब्लाइंड का तो उसको हम कहते हैं कैरियर, अफेक्टेड नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे हम क्रॉस दिखाते हैं आपको कि सबसे पहले ये है मेल और ये है फीमेल। मेल इसमें नॉर्मल है, फीमेल इसमें कैरियर है। कैरियर का कलर हमने येलो रखा है इसमें, तो आपने इसको देखना है। अब हमने इसका क्रॉस बनाना है। सबसे पहले क्रॉस बनाते हैं कि ये जो फादर है यहाँ से वाई आएगा और मदर से एक्स आएगा, और वो एक्स कौन सा होगा? वो होगा अफेक्टेड एक्स, यानी कि मदर की ये जीनोटाइप है कैरियर की, ठीक है, और फादर की ये है। अब फादर से वाई आया, मदर से ये अफेक्टेड एक्स आया, तो जो ये बना है, ये बना है बेटा, सन बना है, और ये सन अफेक्टेड बना है। क्यों बना है? क्योंकि माँ से कलर ब्लाइंड वाला जीन बेटे के अंदर आ गया। तो बेटे के अंदर अगर एक भी कलर ब्लाइंड की कॉपी होगी तो वो एक्सप्रेस करेगी और बच्चा बन जाएगा एबनॉर्मल, मतलब कलर ब्लाइंडनेस उसमें वो बीमारी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम दूसरा क्रॉस देखें, यहाँ से हमने वाई लेना है और यहाँ से हमने जो नॉर्मल एक्स है माँ से वो लेना है। तो जो बेटा बनेगा वो क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा। अब आगे नेक्स्ट क्रॉस है, अब यहाँ से हमने बाप से एक एक्स लेना है और माँ से अफेक्टेड एक्स लेना है। तो ये अब बना, ये अब बनी बेटी। तो ये जो बेटी है इसके पास बिल्कुल वही जीनोटाइप है जो इसकी माँ के पास है, तो इसलिए जो बेटी है वो अफेक्टेड नहीं होगी, वो क्या होगी? कैरियर होगी, क्योंकि उसके पास कलर ब्लाइंडनेस का जीन तो आया है लेकिन उसकी एक अलील, उसका एक आया है, उसकी एक कॉपी आई है। अगर दो कॉपी इसके पास होती तो ये भी कलर ब्लाइंड होती। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब हमने क्या लेना है? यहाँ से बाप से एक एक्स आया और माँ से नॉर्मल एक्स आया। अब जो बेटी पैदा होगी वो नॉर्मल होगी, ना वो कैरियर है ना ही वो अफेक्टेड है, क्या है? नॉर्मल है। तो इस जनरेशन में अगर हम देखें तो चार बच्चे इसके पैदा हुए, उसमें से जो बेटे थे, बेटे में से 50% कलर ब्लाइंड होंगे, बेटे उसके 50% बेटों में से एक, यानी कि अगर दो बेटे हैं तो उनमें से एक कलर ब्लाइंड होगा, एक नॉर्मल होगा। अगर चार बेटे हैं तो दो कलर ब्लाइंड हो गए, दो नॉर्मल होंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर दो बेटियाँ पैदा हुई, उनमें से 50% कैरियर होंगी और 50% नॉर्मल होंगी। ठीक है, अब आगे हम एक और क्रास देते हैं नीचे। वहाँ पे हमने फीमेल कैरियर ली थी, अब हमने क्या लेना है? मेल अफेक्टेड लेना है और फीमेल नॉर्मल लेनी है। जब हमने इसका क्रास करवाया तो पहले इसकी जीनोटाइप लिखें, कलर ब्लाइंड और वाई, इसकी जीनोटाइप होगी एक्स एक्स कैपिटल सी कैपिटल सी। ठीक है, कैपिटल सी कैपिटल सी। अब हमने यहाँ पे क्रॉस करवाया, यहाँ से हमने एक वाई लिया नॉर्मल और माँ से एक एक्स लिया नॉर्मल, तो जो बेटा पैदा हुआ वो नॉर्मल पैदा हुआ। ठीक है, अब दूसरा क्रॉस, दूसरी इसमें हमने वाई नॉर्मल लिया, यहाँ से एक्स नॉर्मल आया, तो ये बेटा जो पैदा हुआ ये भी नॉर्मल। अब जो नेक्स्ट है, यहाँ पर हमने एक एक्स लेना है बाप से, वो अफेक्टेड है, वो कैरियर है, उसके पास कलर ब्लाइंड का जीन है, वो एक्स इधर आएगा, और माँ से एक एक्स नॉर्मल लिया, तो जो बेटी पैदा हुई वो क्या हुई?
कैरियर पैदा हुई लेकिन अफेक्टेड नहीं है, कैरियर है, उसको बीमारी नहीं होगी है, लेकिन जब उसकी आगे शादी होगी तो उसके बच्चे पैदा होंगे तो उनमें से किसी एक को ये बीमारी हो सकती है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर देखें, यहाँ से हमने एक्स कैरियर लिया जिसके पास कलर ब्लाइंड का जीन है, और यहाँ पर हमने एक नॉर्मल एक्स लिया, तो ये भी बेटी जो बनी वो भी क्या हुई, कैरियर हुई। तो अब इसमें हमने क्या देखना है कि इसमें जो इसके चार बच्चे पैदा हुए उनमें से जो सन है वो 100% क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, और जो बेटियां हैं वो 100% क्या है, कैरियर हैं, ठीक है। अब हम आगे तीसरा क्रॉस देखें, इसमें हमने क्या लेना है, बाप अफेक्टेड लेना है, माँ जो है वो कैरियर लेते हैं। अब यहाँ पर चांसेस ही चांसेस हैं कलर ब्लाइंड होने के, बेटी को भी और बेटे को भी। कैसे, बाप है कलर ब्लाइंड, इसकी जीनोटाइप होगी स्मॉल सी, माँ है कैरियर। अच्छा, अब हमने क्रॉस करवाया, यहाँ से वाई नॉर्मल लिया, यहाँ से एक्स जो है वो अफेक्टेड लिया, तो जो बेटा पैदा हुआ वो कलर ब्लाइंड, ठीक है। अब आगे यहाँ से हमने वाई नॉर्मल लिया, यहाँ से एक्स नॉर्मल लिया, जो बेटा पैदा होगा वो नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पर किसी ने अपना कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन नहीं दिया। अब आगे यहाँ से हमने एक्स अफेक्टेड लिया, यहाँ से भी हमने एक्स अफेक्टेड लिया, माँ ने भी अफेक्टेड दे दिया जीन जीन का लील, और बाप ने भी दे दिया, तो जो बेटी पैदा होगी वो कलर ब्लाइंड होगी, ठीक है। बस अगर देखें तो यहाँ से बाप ने अफेक्टेड कॉपी दी कलर ब्लाइंड की, माँ ने नॉर्मल कॉपी दी, तो जो बेटी पैदा होगी वो कैरियर होगी। अब यहाँ पर हमने इसकी परसेंटेज लिखते हैं, तो इसकी जनरेशन में फुल टोटल जनरेशन के अंदर 50% कलर ब्लाइंड होने के चांसेस हैं, चाहे वो बेटा है या बेटी है, और 50% जो बेटी है कैरियर होगी या फिर कलर ब्लाइंड होगी, ठीक है। तो ये थी इसकी जेनेटिक बेसिस कलर ब्लाइंडनेस। अब नेक्स्ट आगे हमने एग्जाम्पल डिस्कस करनी है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया आल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिजीज, ये वो डिजीज़ है जिसमें अगर एक दफ़ा कट लग जाए आपकी बॉडी के अंदर तो ब्लड रुकता ही नहीं है। करेक्टराइज बाई डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, तो इसमें ब्लड क्लॉटिंग बहुत लेट बनती है। दिस इज द बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एंटी हेमोफिलिक ग्लोब्यूबिन विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ये एक प्रोटीन है, ये हेमोफीलिया के जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर ये प्रोटीन नहीं होती, तो ब्लड क्लॉटिंग होने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो फिर ये बंदा इसके मरने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन नॉर्मल पर्सन ब्लड क्लॉट इन 2 to 8 मिनट, बट इन हेमोफिलिक पेशेंट क्लॉटिंग इज डिलेड फॉर 20 मिनट्स to 24 आवर। अब एक बंदा है जिसको कट लगा है जिसकी बॉडी के ऊपर, अगर 20 मिनट तक उसकी बॉडी से ब्लड निकलता रहेगा तो क्या आपका ख्याल है कि वो जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। तो इसलिए हेमोफिलिक पेशेंट को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपने आप को बचाना पड़ता है कि माइनर सा भी कट ना लगे, हैंस दे ब्लीड कंटिन्यूसली फ्रॉम दी वाउंड। तो ये 20 से 24 आवर तक ये ब्लीडिंग चलती रहती है, तो अगर रुकेगी ना तो इंसान की मौत भी हो सकती है। अच्छा, अब इस बीमारी को क्वीन विक्टोरिया वाज आल्सो अफेक्टेड बाय दिस डिजीज एंड इट वाज ट्रांसमिटेड टू हर डिसेंडेंट। तो क्वीन विक्टोरिया जो कि एक मलका है ब्रिटिश की, वहाँ उसको ये बीमारी है, तो फिर उसके आप बच्चों को भी ये बीमारी आगे ट्रांसफ़र हो रही है, तो इसलिए इस डिज़ीज़ का नाम रखा गया, हैंस दिस डिज़ीज़ इज़ कॉमन अमंग रॉयल फैमिली ऑफ क्वीन विक्टोरिया, सो इट इज़ आल्सो नोन एज रॉयल डिज़ीज़। तो इसको रॉयल डिज़ीज़ भी कहते हैं। और ये क्या है, इट इज़ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव फैक्टर है, कॉज बाई रिसेसिव जीन रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एच एंड नॉर्मल कंडीशन इज ड्यू टू डोमिनेंट जीन कैपिटल एच। अब इसकी हम जेनेटिक बेसिस देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। द जीन आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, तो हेमोफिलिक पेशेंट का जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। मेल इज होमोजाइगोट, यहाँ पर मेल होमोजाइगोट नहीं लिखना था, हेमीजाइगस लिखना था, मेल क्या होता है, हेमीजाइगस होता है। हेमीजाइगस का मतलब है कि मेल के पास एक कॉपी हो, ठीक है, तो ये हेमीजाइगस आएगा। डिजीज इज कॉमन इन मेल देन इन फीमेल, तो ये डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है मेल के अंदर, लेकिन फीमेल को भी ये हो सकती है, वो हम आगे देखते हैं क्रॉस में। और इसमें भी फॉलो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को ये फॉलो करते हैं। जनरली हेमोफिलिक पेशेंट विल डाई बिफोर रीचिंग रिप्रोडक्टिव स्टेज। अब ये जो हेमोफिलिक पेशेंट होते हैं ये बहुत ही कम होते हैं जो सर्वाइव करते हैं, ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुँचने से पहले ही मर जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्रॉस करवाते हैं तो आपको इसकी जेनेटिक बेसिस समझ आएगी। यहाँ पर हमने क्या लिया, ये तो एक नॉर्मल जोड़ा है, दोनों के पास हेमोफिलिक नहीं है, तो उसके बच्चे भी हेमोफिलिक नहीं होंगे।
ठीक है। अब हम दूसरा क्रॉस देखते हैं, ये वाला, इसको आपने गौर से देखना है और समझना है। ये है मेल और ये है फीमेल जो के कैरियर है। एक कैरियर फीमेल का नॉर्मल मेल के साथ मेटिंग करवाई, उसकी शादी करवाई। अब क्या होगा, यहाँ से हम एक नॉर्मल एक्स लेते हैं, यहाँ से हम एक नॉर्मल एक्स लेते हैं, तो जो बेटी पैदा होगी वो क्या है, नॉर्मल। नेक्स्ट दूसरा क्रॉस, यहाँ से हम एक नॉर्मल वाई लेते हैं, यहाँ से हम एक एक्स अफेक्टेड लेते हैं, तो जो बच्चा पैदा होगा, जो बेटा पैदा होगा, वो हेमोफिलिक होगा। अब क्यों हेमोफिलिक होगा, क्योंकि माँ ने हेमोफिलिक जीन की एक कॉपी इसको ट्रांसफ़र कर दी जाए, तो मेल के अंदर हेमोफिलिक की एक कॉपी भी आ गई तो मेल अफेक्टेड होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे तीसरा क्रॉस अगर हम देखें, तो यहाँ से हमने लेना है नॉर्मल एक्स बाप देगा, अफेक्टेड एक्स माँ देगी, तो जो बेटी पैदा होगी वो अब क्या होगी, कैरियर पैदा होगी। क्यों कैरियर पैदा होगी, क्योंकि माँ ने हेमोफिलिक का एक कॉपी बेटी को ट्रांसफ़र कर दिया है, लेकिन बाप ने नॉन हेमोफिलिक की कॉपी एक ट्रांसफ़र कर दी। अब हाफ कॉपी है, जो फीमेल के अंदर हाफ कॉपी आएगी तो वो एक्सप्रेस नहीं करेगी, बिल्कुल वही जीनोटाइप होगी जो इसकी माँ की है। माँ को भी हेमोफीलिया नहीं है, लेकिन इसके पास वो जीन है हेमोफीलिया का। अच्छा लास्ट पे अगर देखें, यहाँ से वाई नॉर्मल लिया और यहाँ पे एक्स हमने नॉर्मल लिया, तो जो बेटा पैदा होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब इस क्रॉस की जनरेशन की परसेंटेज देखते हैं कि हेमोफिलिक कितने हैं, तो अगर हम पूरी जनरेशन में देखें तो इसमें हेमोफिलिक 25% है, ठीक है, और कैरियर भी इसमें 25% है फुल जनरेशन में। अब हम मेल और फीमेल की बात कर लें, तो मेल और फीमेल में अगर बेटा है तो सन इसका 50% चांसेस है कि सन क्या हो, अफेक्टेड हो, हेमोफिलिक हो, और फीमेल में 50% चांसेस हैं कि वो फीमेल क्या हो, कैरियर हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक और क्रॉस देखें इधर, इसमें हमने क्या किया कि मेल लिया अफेक्टेड और फीमेल ली कैरियर, ये फीमेल है और ये मेल है। अब इसकी हमने जीनोटाइप बनानी है, मेल है अफेक्टेड है, हेमोफिलिक है, स्मॉल एच वाई, फीमेल स्मॉल एच है इसके पास भी और कैपिटल एच भी है, ये कैरियर है। अब जब इसकी शादी हुई तो इसके बच्चे पैदा हुए, सबसे पहले यहाँ से हम बाप ने अफेक्टेड हेमोफिलिक एक्स दिया, यहाँ से माँ ने भी हेमोफिलिक एक्स दिया, तो जो बेटी पैदा होगी वो हेमोफिलिक होगी, ठीक है। आगे यहाँ से बाप ने नॉर्मल वाई क्रोमोसोम दिया, माँ ने अफेक्टेड एक्स दे दिया, तो बन गया बेटा, तो बेटे के पास एक हेमोफिलिक कॉपी है, तो इसका मतलब ये क्या है, अफेक्टेड है, तो ये हेमोफिलिक बेटा पैदा हो गया। अब दूसरा क्रॉस करवाएं, तो यहाँ पर बाप ने अफेक्टेड एक्स दिया और माँ ने नॉर्मल एक्स दिया, तो जो बेटी पैदा होगी वो हेमोफिलिक तो नहीं होगी लेकिन कैरियर होगी, यानी कि उसके पास ये जीन आ चुका है, अब वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करेगी ये जीन। अच्छा अब लास्ट पे क्या है, यहाँ से बाप ने नॉर्मल वाई दिया, यहाँ से माँ ने नॉर्मल एक्स दिया, तो जो बेटा पैदा होगा वो नॉर्मल पैदा होगा। अच्छा अब यहाँ पे अगर हम इसकी जनरेशन की परसेंटेज देखें, तो कितने परसेंट हेमोफिलिक हैं और कितने परसेंट नॉर्मल हैं, तो 50% इसमें हेमोफिलिक आएंगे, ठीक है, और कैरियर जो है वो 25% होगा। और अगर हम मेल और फीमेल की परसेंटेज देखें, उसमें भी जो 50% बेटियाँ होंगी उसमें से 50% चांसेस है कि हेमोफिलिक हो, और जो बेटे होंगे उनमें भी 50% चांसेस है कि वो हेमोफिलिक हो। अब लास्ट क्रॉस है, इसको हमने देखना है, ये रहा, इसमें हमने क्या करना है कि मेल अफेक्टेड लेना है और फीमेल नॉर्मल लेनी है। अब क्या होगा, बाप ने यहाँ से एक्स दिया, अफेक्टेड एक्स दिया, माँ ने नॉर्मल एक्स दिया, बेटी पैदा हुई तो वो कैरियर, यहाँ से बाप ने वाई नॉर्मल दिया, यहाँ से माँ ने नॉर्मल एक्स दिया, जो बेटा पैदा हुआ वो नॉर्मल, यहाँ से बाप ने अफेक्टेड एक्स दिया, यहाँ से माँ ने एक नॉर्मल एक्स दिया, तो वो बेटा क्या, बेटी क्या हुई, कैरियर, क्योंकि एक बेटी के पास एक जीन आएगा। आगे लास्ट पे बाप ने वाई नॉर्मल दिया, माँ ने नॉर्मल एक्स दिया, तो बेटा पैदा हुआ नॉर्मल। अब इसकी परसेंटेज देखें, तो इस जनरेशन में जो 50% होंगे बच्चे वो कैरियर होंगे, यानी कि कैरियर सिर्फ बेटियां होती हैं, तो हम कह देंगे कि जितनी भी बेटियां पैदा होंगी यानी 100% वो सारी की सारी कैरियर होंगी, और अगर पूरी जनरेशन को देखें तो 100% सारे के सारे हेमोफिलिक नहीं होंगे, और अगर बच्चों बेटे को देखो तो बेटे सारे के सारे 100% नॉर्मल होंगे, ठीक है। अच्छा अब ये था क्रॉस
हेमोफीलिया का अब आगे हम देखते हैं बाय लिंक इनहेरिटेंस क्या होती है. द सेक्स लिंक जीन लोकेटेड ऑन बाय क्रोमोसोम आर कॉल्ड बाय लिंक जीन. ऐसा जीन जो सिर्फ वाई के ऊपर प्रेजेंट है तो वो उसकी अगर इनहेरिटेंस देखेंगे तो वो होगा वाई लिंक इनहेरिटेंस, और वो जीन जो वाई के ऊपर प्रेजेंट है उसको हम कह देते हैं वाई लिंक जीन. वाई लिंक जीन आर कंफाइंड टू ओनली मेल, तो ये करेक्टर सिर्फ मेल के अंदर जाएगा, फीमेल में इसका कोई रोल नहीं है. तो इसलिए इस करेक्टर को क्या कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड होलैंड्रिक जीन्स. होलोज का मतलब होता है होल एंड रोज कहते हैं मेल को, तो ये सिर्फ मेल के अंदर जीन होते हैं. अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि होलैंड्रिक जीन क्या होते हैं, तो वो जीन जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और सिर्फ मेल के अंदर होते हैं उसको होलैंड्रिक जीन कहते हैं. दिस जीन आर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन, तो ये बाप से बेटे में जाते हैं क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ बाप ने देना है, और किधर देना है, बेटे को देना है, बेटी को वाई क्रोमोसोम नहीं देना. देयर मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड बाय लिंक इनहेरिटेंस. अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल में आ जाती है हाइपरट्राइकोसिस, इसमें बाल ज़्यादा होने लगते हैं बॉडी के ऊपर, ये भी एक बीमारी है. इक्थायोसिस, हिस्टेरिक्स, ये भी एक बीमारी है जो सिर्फ मेल के अंदर होती है, तो ये वाई लिंक्ड होती है. ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वाई लिंक इनहेरिटेंस. नेक्स्ट आ जाएं, अब यहाँ पे हमने एक क्रॉस बनवाया, ये एक्स है और ये वाई है, यानी कि ये मेल है और ये फीमेल है. अब यहाँ से वाई दिया, बाप ने वाई दिया, माँ ने एक्स दिया, तो बच्चा अफेक्टेड होगा क्योंकि वाई आ गया. आगे यहाँ से बाप ने एक्स दिया, माँ ने एक्स नॉर्मल दिया, बेटी नॉर्मल पैदा होगी क्योंकि इसके अंदर एक्स नहीं है. यहाँ पर फिर बाप ने वाई दिया, माँ ने एक और एक्स दिया, तो जो बेटा पैदा होगा वो अफेक्टेड होगा क्योंकि बेटे के पास वाई जीन है. इसी तरह बाप ने फिर एक एक्स दिया, माँ ने एक नॉर्मल एक्स दिया, तो जो बेटी पैदा होगी वो नॉर्मल होगी. अब जो वाई लिंक्ड जीन होते हैं, वाई लिंक्ड जीन, उसमें 100% चांसेस हैं कि बेटा अफेक्टेड होगा, बेटे को वो करैक्टर बेटे के अंदर आएगा जो बाप के अंदर होता है. 100% चांसेस हैं जो वाई लिंक करैक्टर होते हैं. बेटी के अंदर 0% चांसेस हैं कि वो जो बाप के अंदर करैक्टर आए वो बेटी के अंदर आए, क्योंकि बेटी के पास वाई जाना ही नहीं है, तो इसलिए बेटी के अंदर वो करैक्टर शो नहीं होगा. नेक्स्ट है एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस. सर्टेन सेक्स लिंक जीन आर लोकेटेड ऑन बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, तो जो दोनों क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्स और वाई लिंक जीन. दे आर कॉल्ड एक्स वाई लिंक जीन एंड देयर मोड ऑफ इनहेरिटेंस, और उसकी इनहेरिटेंस को हम क्या कहेंगे, एक्स वाई लिंक इनहेरिटेंस. अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल आ जाती है जीरोडर्मा, पिगमेंटोसम, नेफ्राइटिस, रेटिनाइटिस, पिगमेंटोसा. ये बीमारी है जो मेल और फीमेल में कॉमन्स होती हैं. ठीक है, और ये एक्स और वाई लिंक इनहेरिटेंस होती है. नेक्स्ट है कंप्लीट सेक्स लिंक इनहेरिटेंस. एक्स एंड वाई क्रोमोसोम आर नॉट सिमिलर, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम सिमिलर नहीं होते. एक्स क्रोमोसोम इन लार्जर होता है वाई क्रोमोसोम से. अच्छा, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी क्रोमोसोम आर सिमिलर, तो क्रोमोसोम को अगर हम यहाँ पे ड्रा करें तो इसका जो लोअर पार्ट है ये दोनों क्रोमोसोम का सेम होता है. ठीक है, दीज टू पार्ट आर कॉल्ड होमोलोगस रीजन, तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस रीजन. दे हैव सेम टाइप ऑफ जीन, क्यों, जो दोनों क्रोमोसोम के ऊपर हैं इसके ऊपर जो जीन होते हैं वो सेम होते हैं. द रिमेनिंग पार्ट इज नॉट सिमिलर, जो दूसरा पार्ट होता है वो सिमिलर नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन होमोलोगस रीजन. डू नॉट कंटेन सिमिलर टाइप ऑफ जीन, तो इसलिए उसके पास सिमिलर टाइप ऑफ जीन नहीं होते. द जीन लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम रीजन इनहेरिट टूगेदर बिकॉज क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर इन दिस रीजन. अच्छा, अब जो नॉन होमोलोगस रीजन होता है दोनों क्रोमोसोम का, क्योंकि वो दोनों एक जैसे नहीं होते, उसके क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान होती है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान नहीं होती, तो इसलिए ये जो करैक्टर हैं ये दोनों इकट्ठे जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में. द जीन लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन आर कॉल्ड कम्प्लीटली सेक्स लिंक जीन, तो ये जो जीन होते हैं जो नॉन होमोलोगस रीजन में होते हैं उसको हम कहते हैं कम्प्लीटली सेक्स लिंक जीन, और उसकी इनहेरिटेंस को हम कहते हैं कम्प्लीट सेक्स लिंक इनहेरिटेंस. इसकी एग्जाम्पल हेमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस है. अच्छा, अब इनकम्प्लीट सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कौन सी है. द जीन लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डू नॉट इनहेरिट टूगेदर बिकॉज क्रॉसिंग ओवर मे अकर इन दिस रीजन. अच्छा, जो इनकम्प्लीट होते हैं वो ना होमोलोगस रीजन में होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि वो इनहेरिट नहीं होते, इकट्ठे नहीं होते. क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर होती है, तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलोगस रीजन में होती है. इस वजह से वो जो रीजन होगा उसको हम कह देते हैं इनकम्प्लीट सेक्स लिंक रीजन, और उसकी इनहेरिटेंस को हम कहेंगे इनकम्प्लीट सेक्स लिंक इनहेरिटेंस. सो दिस जीन आर कॉल्ड इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक जीन एंड देयर मोड ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट सेक्स लिंक इनहेरिटेंस. तो इसकी एग्जाम्पल है रेटिनाइटिस, पिगमेंटोसा और नेफ्राइटिस. ये जो जीन, ये जो डिजीज हैं, ये होती हैं इनकम्प्लीट सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में आती हैं, और ये होमोलोगस रीजन के ऊपर इसके जीन होते हैं. ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस या सेक्स लिंकेज. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें.